हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे समोसे। तो ये कुछ इस तरह से तैयार होंगे, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो मैदा, उसमें हम 200 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे, 2 चम्मच नमक, 1 डालकर इसे अच्छे से मारेंगे। और हमें ऑयल इतना डालना है ताकि मुट्ठी बनने लग जाए। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए मुट्ठी बनने लग गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मारेंगे। हमें मैदा ज़्यादा ना टाइट मारनी है ना ढीली, हमें एकदम मीडियम साइज़ की मैदा मारनी है ताकि हमारे समोसे एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बने। हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मारेंगे, एक साथ पानी ना डालें। अब हम इसको दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि एकदम ये सॉफ्ट आटा तैयार हो इसका। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो चलिए अब तक हम समोसे के आलू तैयार करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में 1 कलछी तेल डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड या घी किसी में भी उसके आलू तैयार कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला संग ही संग भूनता जाए। गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुनता जाए। अब इसमें मटर डालेंगे। मटर को हमने उबाल के रख लिया था, और इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें हम 1 कटोरी हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको अच्छे से चलाएंगे। हमने कुछ आलू लिए हैं, उनको हमने फोड़ के इसमें ऐड करेंगे, और जो बाकी रह गए हैं हम कलछी की मदद से इसे फोड़ते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। और इसे अच्छे से भूनना ज़रूरी है, तब तक ये भुनेगा नहीं तब तक इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब इनसे हम बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे आलू रेडी है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी मैदा कैसी हो चुकी है। तो हमारी मैदा भी बिल्कुल तरह तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे और इसको बेलेंगे। हमें लंबी ही बेलनी है, गोल नहीं बेलनी है। इसको अच्छे से बेलेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, जैसे रोटी बेलते हैं उसी साइज़ का इसे बेलना है। तो देखिए ना ये ज़्यादा पतली बिली है ना ये ज़्यादा मोटी, एकदम रोटी की साइज़ की बिली है। तो हम इसको छुरी की मदद से बीच में से काट देंगे। अब इसको उठाएंगे और इस पर एक तरफ पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कीजिए। अब इसमें हम समोसे के आलू भरेंगे जो हमने तैयार किए थे। तो देखिए इस तरह से भर दीजिए। फिर हम इसके चारों कोनों पर पानी लगाएंगे और इसमें एक प्लेट डालकर इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे भर लेंगे। तो देखिए हमारे समोसे भर चुके हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म करना है। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके समोसे डालेंगे। हमें गैस को हाई टू लो पर रखना है। उसमें हम इन्हें सेकेंगे तभी ये एकदम कुरकुरे और टेस्टी लगेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से सिकते जा रहे हैं। अब इसको कलछी की मदद से पलटेंगे। हमें इन्हें तब तक सेकना है तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और आपको ऐसे पता नहीं पड़े तो ये ऑयल झाग छोड़ रहा है। अगर ये सिक जाएंगे तो ये झाग छोड़ना बंद कर देगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारी रेसिपी तैयार है। आप हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।